नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कॉटन से। रूपा जी, बात करें सबसे पहले यहाँ पे M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन देख रहे हैं रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। M6 कॉटन का अप्रैल वायदा 40,000 के पार जा चुका है। रूपा जी, जो तेजी पहले नहीं देखने को मिली थी वो अब देखने को मिल रही है। कॉटन 40,000 के पार जा चुकी है, ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या कॉटन के फंडामेंटल्स में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से जोरदार तेजी देखने को मिली है, और आगे अब कॉटन में कैसे रुझान रह सकता है? सपोर्टेड था, उसी की वजह से कॉटन में तेजी हमने आती हुई इस सीजन में देखी है। अब जो ये तेजी बन रही है, दरअसल डिमांड पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा जो ये अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो कॉटन की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अगेन मार्केट जो एक बार कंसोलिडेट हो चुका था वो वापिस से बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से डिमांड और पिकअप हो सकती है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है, यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो अभी भी नहीं लेना चाहिए। नो डाउट प्राइसेस अभी तेजी की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है आपको 40,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी ये जो लेवल्स मिल रहे हैं, इन लेवल्स पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जिनके पास रखा है माल उसको धीरे धीरे एग्जिट करें, क्योंकि जो ये बाउंस बैक आ रहा है मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अभी प्राइसेस जो है वो तेजी में जा सकते हैं जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाइंग को अवॉइड करना चाहिए जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि अभी भी वही 3100 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है अप्रैल वायदा। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में अब फिर से 3400 या 3500 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, या फिर बिनौला खल यहीं पे रहेगा? देखिए, बिनौला खल में फिलहाल तेजी नहीं है अखिलेश। देखिए, कॉटन में जो तेजी आ रही थी उसका असर हो सकता था कि थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देता और बिनौला खल में सपोर्ट आ सकता था, लेकिन उनका खुद का फंडामेंटल अभी यहाँ पर देखा जाए तो डिमांड पिकअप नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। कॉटन में जो तेजी आ रही है उसके चलते हो सकता है आपको 3200 के आसपास सस्टेनेबिलिटी आते हुए दिखाई दे, लेकिन फिलहाल बिनौला खल में बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि लगातार गिरावट गहराती जा रही है। मार्च का महीना है और अब देखेंगे कि जो अराइवल्स हैं वो भी आनी शुरू हो जाएंगी धनिया और जीरे की। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब मसालों का बाजार थोड़ा कुछ मंदे की ओर जा सकता है? देखिए, अराइवल प्रेशर के चलते शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जब अराइवल्स आती हैं तो कीमतों के ऊपर एक दबाव आ सकता है, लेकिन जो प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इस बार, प्रोडक्शन जीरे का भी कम बताया जा रहा है और धनिए का भी, तो फंडामेंटल देखिए तो काफी सपोर्टिव है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले अराइवल प्रेशर के चलते, लेकिन वहां पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। और जीरा आप देखिए कंटिन्यूअसली 20,000 के ऊपर सस्टेन है, टेक्निकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और अराइवल प्रेशर की वजह से करेक्शन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप लेके चलेंगे आउटलुक तो मुझे काफी पॉजिटिव दिखता है। जीरा और धनिया, इन दोनों ही कमोडिटीज में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हल्दी अगर हम देखें तो हल्दी के अंदर अभी दबाव है, हल्दी में बहुत ज्यादा उठाव नहीं आ रहा है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की हल्दी की भी कमी बताई जा रही है, और अभी हल्दी जो है वो 8,000 से लेकर 9,000, 9,500, 10,000 मैक्सिमम यहाँ तक एक रेंज में रह सकती है, और डाउन साइड हल्दी अभी फिलहाल 8,000 तक लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर आप कैसे सीड की, तो कैसे सीड में देख रहे हैं कि वही 7300 के ऊपर ही कारोबार दर्ज किया जा रहा है, ऊपरी स्तरों पर सीमित दायर देखने को मिला है कैस्टर के अंदर। रूपा जी, ये जो सीमित दायर है कैस्टर में कब तक बना रहेगा, और एक ब्रेकआउट लेवल ऊपरी स्तर वाला कब तक देखने को मिल पाएगा? देखिए, जैसे ही 7,400 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट, तो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ऊपर में 7,420 के ऊपर की क्लोजिंग आते ही मुझे लगता है कि ये 7,500, 7,550 तक जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एक रेंज में है, 7,500, 7,700 के फिलहाल हम देख रहे हैं इसको, तो अभी ये रेंज बनी रह सकती है। हो सकता है कि एक वीक तक आपको मार्केट इसी डायरेक्शन में दिखे, लेकिन जैसे ही 7,400 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो मुझे लगता है कि ऊपर में 7,500 से लेकर 7,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि ग्वार गम 12,000 के 11,193 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और जो ग्वार सीड है 6100 के ऊपर है। हालांकि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन दोनों ही ग्वार गम ग्वार सीड में लाल निशान के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जो कीमतें हैं वो पहले के मुकाबले बड़ी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है,
जिस हिसाब से अब अमेरिका कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है, तो क्या आने वाले समय में इसका फायदा ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों को मिलता नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव रह सकता है। इसके चलते मार्केट और एक एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकते हैं, जिसकी वजह से ग्वार गम और ग्वार सीड में तेजी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल भी हम देखें तो फंडामेंटली भी काफी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेवल्स के ऊपर डिमांड निकलना 11,000 के ऊपर है मार्केट, फिर भी मार्केट जो है लगातार हम देख रहे हैं गम जो है वो 10,000 के ऊपर सस्टेन है, और सीड भी देखा जाए तो 5,800 से लेकर 6,100 की रेंज में कारोबार करते दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है अभी तो फिलहाल चार्ट, और मुझे लगता है कि ग्वार में तेजी बनी रह सकती है और 12,000-12,500 तक मार्केट सस्टेन कर सकता है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर वीट की, गेहूं की, तो गेहूं की कीमतों में हमने इस बार काफी शानदार तेजी आते हुए देखी है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते। जो गेहूं एमएसपी पर भी नहीं बिक पा रहा था, अब वही गेहूं ज्यादातर मंडियों में 2500 तक बिकता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से भारत लगातार गेहूं का निर्यात कर रहा है और इस बार रिकॉर्ड निर्यात रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान भी है, तो क्या गेहूं की कीमतें 3,000 तक भी जाती नजर आ सकती हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो है एक्सपोर्ट डिमांड ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते एक्सपेक्टेड है कि बढ़ सकती है, और उसकी वजह से कीमतों को एक सपोर्ट मिल सकता है, और हमने आते हुए भी देखा है। लेकिन वहीं देखा जाए तो प्रोडक्शन भी काफी अच्छा खासा है। अब कितने एक्सपोर्ट डिमांड्स निकलते हैं उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर एक्सपोर्ट पिकअप होते हैं तो डेफिनेटली कीमतों के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, इसके साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल्स की, रिफाइंड सोया की, सीपीओ की, तो हमने होली के त्यौहार पर इनमें काफ़ी तेजी आते हुए देखी है। विदेशों में भी लगातार तेजी है खाद्य तेलों में, और भारत में भी जो खाद्य तेल है उनके दाम लगातार बढ़े हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब खाद्य तेलों का बाज़ार आगे क्या कुछ ठंडा पड़ता नज़र आ सकता है? क्योंकि अब होली भी जा चुकी है, लेकिन नवरात्रे और रमज़ान का महीना रहेगा, तो खाद्य तेल क्या अभी भी तेज रहेंगे? देखिए, बिल्कुल फेस्टिवल टाइम है ये वाला, और अभी प्राइसेस के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। दूसरा, इंपोर्ट भी काफी कम हुए हैं और महंगे भी हो रहे हैं, तो इस वजह से कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि खाद्य तेलों में तेजी बनी रह सकती है। जी, ये सर मुझे बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में आपको क्या लगता है, सरसों बम्पर आवकों के बावजूद देख रहे हैं एमएसपी से नीचे नहीं गई है, बल्कि एमएसपी के अभी डबल ही बिकती नजर आ रही है बम्पर आवक होने के बावजूद भी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर जैसे आवकों का प्रेशर दबाव थोड़ा कम होता है, तो क्या सरसों पहले वाले दामों पर भी बिकती नजर आ सकती है 10,000-12,000 तक? देखिए, अभी तो खाद्य तेलों में तेजी बनती दिखाई दे रही है, और उसका असर हम सरसों की कीमतों पर भी आते हुए देख रहे हैं। लेकिन सरसों का खुद का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, और अभी जरूर प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो अनसर्टिनिटी है उसका असर काफी हद तक बाजारों पर आया है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर इसी तरीके से स्थितियां गहराती हैं तो हो सकता है कि आपको सरसों के अंदर भी एक तेजी आती हुई दिखाई दे, लेकिन फिलहाल के लिए बाजार एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, इसे रूपा जी सोयाबीन में आपको क्या लगता है, देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन $1,685 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं, हालांकि हमने बीच में हल्की सी नरमी आते हुए ज़रूर देखी थी, लेकिन फिर से देख रहे हैं सोयाबीन ने तेजी पकड़ ली है, तो ऐसे में क्या अब सोयाबीन 8,000 के पार भी जा सकती है? देखिए, सोयाबीन में एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, और लेवल्स हो सकते हैं कि हो सकता है कि ये लेवल्स देखने को मिले। जी, नहीं सर ऊपर जी बात करें शुगर की, तो शुगर में इस बार प्रोडक्शन अच्छा खासा बताया जा रहा है, और एक्सपोर्ट के भी जो सौदे हैं काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे में चीनी की कीमतों में तेजी की उम्मीद है? देखिए, चीनी की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद अभी लाल नहीं है। अगर एक्सपोर्ट पिकअप होता है तो थोड़ा सा सपोर्ट आ सकता है, और वो हमें अभी मार्केट में बाजार जो है वो एक रेंज में घूमते हुए देखे हैं, तो चीनी की कीमतों में थोड़ा बहुत तेजी का रुझान बन सकता है, लेकिन ज्यादा तेजी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। जी, ये सर जी बात करें अगर दालों की, तो दालों में तो देख रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है दालों का काफ़ी ज़्यादा है, दालें महंगी हैं रिटेल में, लेकिन किसानों को दाम सही नहीं मिल रहा है, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, मिल पा रही है, थोक कारोबारी हुए उनका ये कहना है कि जो चना है एमएसपी के नीचे ही ट्रेड कर रहा, नीचे ही बिक रहा है, चाहे डॉलर चना हो वो भी एमएसपी के नीचे है, और ज़्यादातर दालें एमएसपी के नीचे ही देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में अब आगे दलहन बाजार कैसा रह सकता है?
देखिए दलहन बाजार तो अभी दबाव वाला ही रह सकता है और दलहन में अभी फिलहाल तेजी नहीं है। मैं काफी लंबे अरसे से हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि दालों में फिलहाल बाजारों में अपसाइड मोमेंटम नहीं है। दालें एक सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे सकती है, इनफैक्ट प्रेशर बना रह सकता है। हाँ, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है दालों की कीमतों के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे, लेकिन फिलहाल के लिए बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं। जी ये सर, मुझे बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा का फ्यूचर आपको क्या लगता है? क्या मेंथा में जोरदार तेजी देखने को मिल पाएगी या फिर मेंथा ऐसी सुस्त रहेगा इस बार? देखिए मेंथा में अभी फिलहाल तेजी नहीं है, इसलिए हम पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं कि सीमित दायरे में है, 900 से 1000 रुपए की रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा वायदा बाजार। तो अभी मेंथा में भी सुस्ती का ही माहौल है और मेंथा का भी इस बार प्रोडक्शन अच्छा खासा बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेंथा भी और अभी बाजार जो है वो सीमित दायरे में घूमता दिखाई दे। रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप एग्री कम्युनिटीज में? रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए एग्री कम्युनिटीज में मुझे लगता है कि मसालों में डिप पर खरीदारी की तरफ रहना चाहिए और वहीं ग्वार के अंदर बाय करके चला जा सकता है। आज करेक्शन है शॉर्ट टर्म में और गिरावट के अंदर ग्वार के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।